एवरीवन, कैसे हैं आप सब जरूर बताना। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ फिर से, क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड आशा करती हूँ कि इसी तरह से आपका प्यार मेरे साथ बना रहेगा, आप मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा से ज्यादा देखोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो मैंने सोचा कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, कुछ अलग सा बनाती हूँ व्लॉग। अलग सा तो नहीं, लाइक मेरे लिए थोड़ा अलग सा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे किन्नौर की ट्रेडिशनल ज्वेलरी। इसके लिए मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस तो पता ही आपको मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और आजकल ठंड भी ज्यादा है तो मैंने सोचा सेफ ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा ना बात करते हुए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको, वैसे पहले जो सिल्वर वाली ज्वेलरी है वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मेरे पास निकल रहा है, वैसे ये बहुत अलग अलग है, इसको बोलते हैं गाऊ। ये ऐसे, इसको ऐसे पहना जाता है, ये सेंटर में होगा, ये ऐसे होगा और यहाँ पे धागा लगता है, तो इसको यहाँ ऐसे पहना जाता है, इसको गऊ कहा जाता है। और उसके बाद इसका वेट बता देती हूँ, इसका वेट है ऑलमोस्ट 1/2 kg के आसपास है। प्राइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसका प्राइस, मुझे याद नहीं आ रहा है कितने का था। तो ये हो गया गाऊ। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मेरे हाथ में आई, देखते हैं क्या चीज है। हम इसको ऐसे पैक करके रख देते हैं थैले के अंदर, और ये शादियों में काम आता है, उससे बाद काम नहीं आता है। अच्छा, ये निकला है चंदर हार, चंदर हार है ये, देखिए ये इस तरीके का होता है। ये भी इसको भी नेक में, गले में पहना जाता है। तो ये मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, जो 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 मैं पहन सकती हूँ वो मैं पहन लेती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये है एक चंदन हार, ये देखिए, और ये भी काफी हैवी है। इसका वेट भी ऑलमोस्ट 1/2 kg के आसपास होगा, एंड प्राइस मैं भूल गई हूँ। तो वैसे मैंने खुद खरीदा भी नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं है, मेरे मदर इन लॉ की तरफ से आया है, मेरे ससुराल वालों की तरफ से। तो इसका रेट वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बस जस्ट आपको थोड़ा वेट वगैरह बता देती हूँ। अब नेक्स्ट चीज जो है वो निकली है ये इसे कहते हैं गुरशंगलंग। ये है गुरशंगलंग, जिसको हम ऐसे लपेटते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ये वाली चीज को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं इस वाले एरिया में, एंड उसके बाद इसको यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो है ये आपके जाता है यहाँ ऐसे बैक में, व्यू वाले ऐसे बैक में, और इसको ऐसे राउंड करके, ये जैसे हम जो पट्टू वगैरह पहनते हैं तो उसमें इसको यहाँ पे टक किया जाता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ साइड में रख देती हूँ, क्योंकि पट्टू तो मैंने अभी पहना नहीं है। अब आती है नेक्स्ट, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, ये इसे कहते हैं जुटी, जो गुत में लगता है। तो मेरे तो इतने लंबे बाल हैं नहीं, ना मैंने जुटी बनाया है, इसको तो मैं अभी लगा नहीं पाऊंगी, इसको यही रख देती हूँ साइड में। उसके बाद आया है ये, तो ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सा एक, लग तो ये इयररिंग टाइप लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इसे कहते हैं तनौल, इसकी ये जो लड़ियां देखो कितनी प्यारी लग रही है, और ये लगता है यहाँ पे। वैसे तो ये फंसेगा नहीं, फिर भी चलो लेट्स ट्राई, क्या पता फंस जाए मेरे यहाँ पे, इसके लिए अलग से गुत बनानी पड़ती है। नहीं नहीं फंस रहा है ये, तो इसको ऐसे ये यहाँ लगता है, ये देखिए ये वाली चीज। तो इसी का और एक पेयर होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये होता है दोनों तरफ के लिए, जिसे कहते हैं तनौल। और आप अगर किन्नौर के हैं और अलग गांव के हैं तो आपने जरूर बताना इसको क्या बोलते हैं, मैं अपने हिसाब से, अपने गाँव के हिसाब से बोल रही हूँ। ये लगता है यहाँ पे ऐसे, इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज है, ये तो बैक वाला है, इसको मैं बाद में निकालूंगी, ये बैक वाली जगह पे लगती है। नेक्स्ट है ये,
ये चीज, ये लगता है सामने इस तरीके से, इस चीज को कहा जाता है फियाइजा, क्योंकि ये आगे फेस के सामने लगता है। एंड ये लगता है बैक में ऐसे, इसको कहा जाता है डमी। ये मैं आप बताएं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप मुझे प्लीज जरूर बताना अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है या फिर आपके वहां पे इन चीजों को कुछ और कहा जाता है। तो ये भी मैं नहीं पहन पाऊंगी, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। फोकस यहाँ मत करो, यहीं करेंगे, उधर करेंगे, है ना। अब ये हुआ सिल्वर पार्ट। सिल्वर पार्ट का शायद हमारे पास कुछ चीजें छूट गई है, जैसे कि कौनते कौनते जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसे राउंड राउंड का शेप का होता है, यहाँ लगता है। अभी मेरे पास है नहीं वो, तो नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। एक्चुअली ये आधी चीजें मैं कहीं रखती हूँ, आधी चीजें कहीं रखती हूँ, तो अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। एंड उसके बाद अब आते हैं हम गोल्ड पे। तो जो सबसे चीज निकली है गोल्ड की वो है ये कड़े। कड़े तो फिर ये ना एक गाऊ था मेरे पास, छोटा सा गाऊ जिसके जो बीड्स है वो निकल गए थे। मेरी मामा जी की बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था शादी में, बट उसके बीड्स निकल गए, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है। ये गाऊ होता है, ये भी देख लीजिए आप। और ये तो कड़े है, कड़े तो फिर आप लोगों के वहां भी सभी जगह पे होता है। चलो पहन लेती हूँ इसको, ये हो गया कड़ा। एंड उसके बाद क्या निकल रहा है देखते हैं। उसके बाद निकल रहा है ये बालू, जो एक नेक नथनी टाइप होता है, हम इसको यहाँ पे बालू कहते हैं। ये देखिए कहाँ फंस गया, ये देखिए, ये इसको हम ऐसे जैसे सभी जगह नाक पे लगाते हैं वैसे लगाते हैं। अब ये फिक्स करने में प्रॉब्लम होगा, दर्द होता है, तो ये भी मैं नहीं फिक्स करूंगी क्योंकि इसका पता नहीं है कुछ खराब हो गया है यहाँ से। तो ये देखिए ये है बालू। तो ये जो बालू है वे अलग अलग साइज के अलग अलग वेट के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी बनाते हैं, बट पर्सनली आई डोंट लाइक बड़ी बड़ी चीजें, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ सिल्वर की और एक चीज रह गई। तो ये भी एक गुशंगलंग जिसको बोलते हैं, ये जो ये वाला मैंने लपेटा है यहाँ से यहाँ उसी के तरीके का है, पर इसको कहते हैं डिगरा शंगलंग। डिगरा ये होता है कि जो आपको यहाँ पे फंसाने की भी होती है और आपके पट्टू में भी फंसाने की होती है, बट ये कि राउंड में नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इसको बोलते हैं डिगरा शंगलंग। तो इसको भी मैं यही रख देती हूँ। ये वाली जो ज्वेलरी है जिसको डिगरा शंगलंग कहा जाता है, ये बहुत इजी टू कैरी होता है, लाइट वेट होता है, तो हम लोग यूजुअली आजकल इसी का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये वाली जो ज्वेलरी है ये कभी फंस जाती है और फिर जब हम बैठते हैं तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये कहीं दब जाता है और खराब हो जाता है, तो आजकल जो है इसका ज्यादा ट्रेंड है। और ये एक सिंपल सी पिन भी होती है जो बहुत ही लाइट वेट होती है, उसको हम पहनते हैं ज्यादातर, जैसे थोड़ी देर के लिए हमने मंदिर जाना हो, क्योंकि मंदिर में हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी के कपड़े भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट है ये इयररिंग्स, जो यहाँ के ट्रेडिशनल है। ये इयररिंग्स में एक मुरकी भी होती है, वो भी अभी मेरे पास है नहीं, आपको बाद में कभी जब मैं अपने गोल्ड की ज्वेलरीज दिखाऊंगी तो उसके साथ मैं उसको भी जरूर बताऊंगी। तो फिलहाल ये है हमारे ट्रेडिशनल इस तरीके का। ये देखिए, इसको भी मैं पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे कान खाली, मैंने जानबूझ के रखे थे कि जब ये वाला इयररिंग आएगा तो मैं पहन लूंगी इसको। इसका पेयर ये देखिए कैसा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आई मेरे हाथ में देखते हैं।
उसके बाद आया है ये गऊ। एक तो जैसे ये हो गया सिल्वर का गऊ, जैसे ये है, वैसे ही एक गोल्ड का गऊ होता है, इसको भी पहन लेती हूँ मैं। ये आजकल नया फैशन चला हुआ है, ये देखिए, इसमें भी अलग अलग डिजाइन्स होते हैं, बट मेरे पास ये डिजाइन है तो भी पहन ही लेती हूँ मैं। ये तो सूट और साड़ी के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही एंटीक और बहुत ही प्यारा पीस है, आप भी बनवा सकते हो इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है ये चाक। ये देखिए इस तरीके का गोल होता है, ये भी गुत में लगता है, तो गुत तो मेरी है नहीं तो अभी मैं इसको पहन के नहीं दिखाऊंगी, बट ये गुत में लगता है, इसको भी मैं यही रख देती हूँ। इसमें और एक भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो चलो एक काफी है दिखाने के लिए। एंड ये आया जी हमारा नेक पीस, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे तर्मनी। तो ये यहाँ पे यहाँ की बेसिक ज्वेलरी है तर्मनी, जिसको कहा जाता है, इसको भी मैं पहन लेती हूँ। और ये और एक तर्मनी है, ये जो बीड्स है ये यूजुअली अपर किन्नौर में चलता है, बट अब लोअर किन्नौर, मिडल किन्नौर सभी जगह पे चलने लग गया है। इसको कहा जाता है तिन शुलिंग, इसको भी पहन लेती हूँ। तो उसके बाद और क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है यार, दैट्स इट। तो ये थी कुछ हमारे किन्नौर की बेसिक ज्वेलरी, इसके साथ और एड ऑन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ये फेस वाला ज्वेलरी है और ये वाली जो ज्वेलरी है, ये सब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा हैवी है, और इसका ऑलमोस्ट पूरा, ये जो मैंने अभी पहना है बेसिक, जो इसका वेट होगा अराउंड 3 से 4 किलो होगा। एंड अगर यही चीजें अगर लड़की वाले भी देते हैं और लड़के वाले भी देते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 kg का जो है एक ब्राइडल, किन्नौरी ब्राइडल ज्वेलरी पहनती है, सिल्वर का ही सिल्वर का। और उसके बाद ये जो अपनी ड्रेस होती है ये भी बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो आप मान के चलो कि किन्नौर की जो ब्राइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन में होते हैं, बट स्टिल फिर भी अब कल्चर है तो निभाना ही पड़ेगा, ट्रेडिशन है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इन सब चीज़ों को फैला के उस शीट पे अच्छे से दिखाती हूँ, तो चलिए फिर देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ। एक बार फिर से मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देती हूँ ग्लिम्स हमारे ज्वेलरी के, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फेस वाला, जिसमें आपके ये सिल्वर वाली ज्वेलरी आ गई, और ये लगता है जो आपके है ईयर्स के पास विद ये झुमकाज। एंड ये है आपका नोज का, जिसको बालू कहा जाता है। उसके बाद ये आ गए नेक पीसेस, जिसको तर्मनी कहा जाता है। और उसके बाद ये गऊ जो गोल्ड का है। एंड नेक में दूसरी चीज़ आती है ये चंद्रहार, जिसे कहते हैं।
एंड उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे आते हैं वो है ये, जिसको कहते हैं गाऊ, सिल्वर का है ये। और ये आ गया आपके जो नॉट करने के लिए लगता है, फिक्स करने के लिए, यहाँ पे जो ये दोड़ू के पास लगेगा और ये लगेगा पट्टू के पास। तो इसी का ये जो बड़ा वाला होता है, ये देख रहे होंगे आप। और जो बैक साइड में जूती में लगता है वो है ये, जो गुत में लगता है, और ये जो गोल्ड का जिसे कहते हैं चाक। मैं कर रही हूँ पैकिंग इन सब चीज़ों की, आधी पैकिंग कर ली है तो इतने में मुझे याद आएगी, मैं थोड़ी सी टिप्स देती हूँ आप लोगों को। तो जो ज्वेलरीज होती है आपको हमेशा उसको सेपरेट सेपरेट पैक करना चाहिए। जैसे जो फेस वाला था मैंने अलग थैले में पैक कर लिया था, और इस सिल्वर वाली ज्वेलरी को भी मैं अलग पैक कर दूँगी। एंड जो भी आपकी गोल्ड की चीज़ें होती है उसको ये जो पेपर देते हैं ज्वेलर्स, उसमें पैक कर देना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपने इसको जो इसका पैकेट होता है उसमें डाल देना है, इससे आपका जो गोल्ड भी सेफ रहता है और अच्छा रहता है, वरना खराब होने का डर रहता है। मेरी जो ज़्यादातर ज्वेलरीज बनी है वो सारी महालक्ष्मी ज्वेलर्स से बनती है, जो रिकॉन्गपियो में नवीन बुक सेलर के साथ है। तो आप भी वहाँ जाइए और अपनी ज्वेलरीज बनाइए। एंड मैंने ना बहुत सारे ज्वेलरीज बनाई है अपने डिज़ाइन देके। अभी रिसेंटली एक झुमकास बनाया है बहुत ही खूबसूरत, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको जरूर बताना। एंड आपके पास अगर कोई सजेशन है कि किस तरह के व्लॉग्स मुझे बनाने चाहिए वो भी जरूर बताना, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।